एडोब एनिमेशन में इस टाइप की इलस्ट्रेशन कैसे बनाए, और ना सिर्फ एडोब एनिमेशन में बल्कि तुम सेम प्रोसेस यूज करके किसी भी सॉफ्टवेयर और किसी भी डिवाइस, भले ही वो फोन हो या पीसी हो, तुम इस टाइप की इलस्ट्रेशन बना सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ये एडोब एनिमेट में ही बनाना है और तुम्हें एडोब एनिमेट यूज करना नहीं आता, तो मेरी ये वाली वीडियो देख के एडोब एनिमेट यूज करना सीख सकते हो। ये ऑलमोस्ट एक घंटे की वीडियो है जिसके बाद तुम एडोब एनिमेट यूज करना आराम से सीख सकते हो। इस वीडियो के बाद उसे भी देख लेना, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इस वीडियो पे फोकस करो। एक इलस्ट्रेशन को बनाने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करना होता है, और जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ वो हर एक सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस के लिए सेम रहेगा। भले ही तुम फोन पे बनाना चाहो या तुम्हारे पास पीसी हो, भले ही तुम एडोब एनिमेट का यूज करो, क्लिप स्टूडियो का यूज करो, आईबीएस पेंट एक्स का यूज करो, फोटोशॉप का यूज करो, क्रीटा का यूज करो, किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करके सेम प्रोसेस से तुम बना सकते हो। तो सबसे पहले आता है एक आइडिया। तो हमारे पास एक आइडिया तो है, लेकिन वो अभी ब्लर्ड है, तो इसके लिए हमें कुछ रेफरेंसेस कलेक्ट करने होंगे। तो रेफरेंस के लिए मैं पिंटरेस्ट यूज कर रहा हूँ। तुम कहीं से भी यूज कर सकते हो, तुम गूगल से, पिंटरेस्ट से, इंस्टाग्राम से, और जहां से भी, रियल लाइफ फोटेज से, कहीं से भी रेफरेंस उठा सकते हो। मतलब हमारा आइडिया ऐसा है कि दो पर्सन है, वो एक रूम के अंदर वीडियो गेम खेल रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं कुछ इस टाइप का मेरा आइडिया, और उसके हिसाब से मैं रेफरेंसेस ढूंढ लेता हूँ। तो अब मुझे कुछ रेफरेंसेस मिल चुके हैं। अब मैं अपने एडोब एनिमेट को ओपन करूंगा। तुम्हें जिस पे भी इलस्ट्रेशन करना है उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लो, और देखो जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी तो उसमें सब बोल रहे थे कि क्रैक वर्जन वर्क नहीं कर रहा या उनमें डाउनलोड नहीं हो रहा। देखो मैंने उसी सेम प्रोसेस का यूज करके करा था, और मैं क्रैक वर्जन के बारे में ओपनली बता नहीं सकता यूट्यूब पे, वरना यूट्यूब मेरे पे स्ट्राइक मार देगा। और अगर उस प्रोसेस से तुम्हारा नहीं हो रहा तो तुम यूट्यूब पे एक दो सर्च करो, तुम्हें कुछ ना कुछ चीजें जरूर मिल जाएंगी। तो न्यू फाइल लेने से पहले तुम अपना रेजोल्यूशन और एस्पेक्ट रेशियो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं 1:1 रेशियो बनाने वाला हूँ, तो मैं 1080p/1080p लूंगा। बाकी पिक्सल का तुम कुछ भी ले सकते हो, वो तुम एक्सपोर्ट करते समय एडोब एनिमेट पे चेंज कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे फ्रेम का तो मैं कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि फ्रेम का यहाँ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हमें बस एक ही फ्रेम, मतलब एक ही इमेज एक्सपोर्ट करनी है। तो फ्रेम या तुम कुछ भी रख दो, फ्रेम का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। सो सबसे पहले मैं तुम्हें रेफरेंस दिखा देता हूँ। ये है मेरे कुछ रेफरेंसेस। तो इनमें सारी चीजें रेफरेंस के नाम पे, मतलब पोजेज, लाइटिंग कंडीशन और एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीजें। अब जब एक बार हमारे रेफरेंसेस सारे मिल चुके हैं तो मैं स्केचिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखो स्केचिंग में तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा स्केच होगा वही तुम्हारा फाइनल आउटपुट होगा पोज में, जेस्चर में, वो बीच बीच चेंज करने पड़ सकते हैं तुम्हें। और स्केचिंग में मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि स्केचिंग ही तुम्हारा डिसाइड करता है कि तुम्हारा मतलब इलस्ट्रेशन कैसा होगा या एनिमेशन कैसा होगा। तो तुम स्केचिंग या रफ वर्क जो भी इसे कहते हैं, तुम उसमें थोड़ा टाइम दो। और मैं स्टिक मैन वगैरह सब यूज करता हूँ स्केचिंग में, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है वैसे यूज करो। लेकिन अगर तुम्हें एनाटॉमी की नॉलेज नहीं है, तुमने मेरी अगर ड्राइंग सीरीज देखी होगी तो मैंने वहाँ पे एनाटॉमी पे दो वीडियो बना रखी है। अगर तुम्हें वहां से नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे आर्टिस्ट वगैरह के वीडियोस देखो और सीखो वहां से, फिर अप्लाई करो। और बाकी तुम्हारे कमेंट्स वगैरह की बात करूं तो पढ़ के मजा आ जाता है भाई, तुम लोग कमेंट बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तुम लोग। और बाकी तुम लोग कमेंट में बहुत सारी डिमांड आ रही थी, क्लिप स्टूडियो सिखाओ भाई, क्रीटा सिखाओ, बहुत सारी चीजें कि फोन के लिए क्या होगा। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को ऐसा डिजाइन किया कि तुम फोन पे भी यही सेम चीज अप्लाई कर सकते हो और पीसी पे भी। और मतलब मेरी हर एक वीडियो सेम है फोन पीसी सब के लिए, ठीक है, बस सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल थोड़े अलग होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए है। और देखो कभी रेफरेंस का यूज करने से घबराओ मत, क्योंकि रेफरेंस का यूज करने से तुम्हारी आर्ट, इलस्ट्रेशन, एनिमेशन जो भी है अच्छी बनती है, तो रेफरेंस का जरूर यूज करो। तो देखो मेरा इस वीडियो बनाने का कोई मोटिव था नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मेरी पिछली वाली वीडियो देख के लगा कि भाई तुमने एक साथ सारी खिचड़ी पका दी और हमें कुछ उतना समझ में भी नहीं आया। और प्लस मेरे को भी लगा मैंने तो बस सॉफ्टवेयर तुम्हें बता दिया, मैं इस पे वार्म अप नहीं कराऊंगा, कि मैं सारी चीजें बताऊंगा नहीं, मतलब कैसे कैसे कौन सी चीज तुम यूज में ले सकते हो, तब तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा और तुम भूल जाओगे ये सारी चीजें, तो कोई फायदा नहीं होगा एक घंटे वीडियो देखने का। तो इसलिए मैंने ये वीडियो प्लान करी। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये 5 से 6 घंटे की क्लिप है, ये तो मैं टाइम लैप्स से फास्ट फॉरवर्ड करके तुम्हें दिखा रहा हूं, और जहां जहां इंपॉर्टेंट चीज आएगी मैं वो तुम्हें बता दूंगा। बाकी एक कमेंट आया था कि भाई माउस एनिमेशन के लिए, तो मैं उस पर भी वीडियो प्लान कर रहा हूं भाई, क्योंकि मैं समझ सकता हूं यार, मैं भी माउस एनिमेट कर चुका हूं तो मैं समझ सकता हूं कि कैसा फील आता है माउस एनिमेशन में। तो बस अब तक तो हमारी स्केचिंग हो चुकी है, अब मैं बस क्लीन अप कर लेता हूं। और क्लीन अप में कुछ नहीं करना होता है, तुम्हारी जो स्केच लेयर है उसकी ओपेसिटी कम कर दो और उसको लॉक कर दो, और उसके ऊपर एक और लेयर ले लो और उसके ऊपर क्लीन अप करो। अब देखो क्लीन अप टोटली लाइन आर्ट नहीं होता, ये फाइनल नहीं होता,
ये लाइन आर्ट और रफ के बीच वाला स्टेज होता है, जहाँ पे तुमने रफ में इतना मैसी बना रखा है, इतना पूरा बुकड़ रखा है, तो उसे तुम थोड़ा क्लीन करते हो ताकि तुम्हें चीज़ें, फॉर्म्स और सारी चीज़ें अच्छे से पता चले, और तुम उसे एक बार मतलब ड्रॉ करते हो कि तुमने जो रफ में बनाया वो सही है या फिर चेंजेस चाहिए उसमें, तो उसके लिए क्लीनअप करा जाता है। क्योंकि लाइन आर्ट जब तुम करोगे तो क्लीनअप पे जब लाइन आर्ट होगी तो तुम्हारी क्वालिटी और चीज़ें परफेक्ट निकल के आएंगी, इसलिए क्लीनअप करा जाता है। अब हमारा क्लीनअप के बाद आता है लाइन आर्ट। तो देखो, अब लाइन आर्ट के लिए मैं एक फीचर यूज़ करता हूँ एडोब एनिमेट में, ऑब्जेक्ट मोड। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड के बारे में तुम्हें बताऊँ, तो जैसे मैंने ये एक लाइन बनाई यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड ऑन करके मैंने ये यही दो लाइन बना दी। अब मैं इस नॉन ऑब्जेक्ट मोड ऑन वाली लाइन को सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरी एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन वही मैं अगर ऑब्जेक्ट मोड वाली लाइंस को सेलेक्ट करूंगा तो ये इस टाइप से सेलेक्ट होगी, मतलब ये अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट होगी। जब तुमने एक स्ट्रोक मारी और फिर दूसरी स्ट्रोक तुमने चलाया तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो गया है। तो देखो, इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लो कुछ चीज़ें मेरे को एडिट वगैरह करनी है तो वो मैं चीज़ें एडिट वगैरह कर दूँ, या फिर कुछ चीज़ें मेरे को छोटी बड़ी करनी है तो वो मैं कर दूँ। और अगर तुम्हारे सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट मोड नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये वो उतना भी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी फीचर नहीं है कि तुम इसके लिए मरे जा रहे हो। मैं ज़्यादातर अपनी इलस्ट्रेशन वगैरह क्लिप स्टूडियो पे करता हूँ, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड जैसा नाम का कोई फीचर है नहीं। हाँ, वहाँ पे वेक्टर लेयर है, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं करता। जरूरी नहीं है कि तुम भी ऑब्जेक्ट मोड का यूज़ करो, ठीक है, ये बस एक एक्सटर्नल फीचर है और तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, इससे मुझे लाइन आर्ट में थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। तो मैं तुम्हें अब थोड़ा स्ट्रोक के बारे में बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू माई स्टाइल मेरी स्ट्रोक थोड़ी पतली होती है, मैं 1 या 2 या 3 इतने पे ही स्ट्रोक यूज़ करता हूँ। पहले मैं मोटी स्ट्रोक यूज़ करता था लेकिन वो मेरे को ठीक से जमता नहीं था, इसलिए मैंने अपनी स्ट्रोक थोड़ी पतली कर दी है। तुम्हारी जैसी भी स्टाइल है, तुम्हारा जैसा फील आए, मूड आए, उस टाइप से तुम स्ट्रोक रखना, मेरा देख के नहीं कि भाई मैंने भी पतली स्ट्रोक रख ली, ठीक है। और बाकी मैं हैंड पोजीशन की बात करूं, अगर तुम लाइन आर्ट कर रहे हो तो ट्राई करो ज्यादातर तुम शोल्डर और एल्बो का यूज करो, रिस्ट का यूज कम ही करो, छोटी छोटी मार्किंग के लिए रिस्ट का यूज करो, वरना फिर तुम्हारी लाइन आर्ट उतनी अच्छी परफेक्ट नहीं बनेगी। और लाइन आर्ट में अंडू करने से कभी मत घबराओ, जितनी बार हो सके उतनी बार अंडू करो, 2 बार 5 बार 10 बार 50 बार। कैनवस को अच्छे से एडजस्ट करो, रोटेट वगैरह करो, और जितना हो सके उतना कंफर्टेबल पोजीशन में लाइन आर्ट करो, तुम्हारी लाइन आर्ट अच्छी बनेगी। और हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ लाइन आर्ट को अगर लेके बात ही चल रही है तो जब तुम स्लो हैंड से लाइन आर्ट करते हो तो ये तुम्हारे लाइन वॉबल करती है, लेकिन वही तुम फास्ट लाइन आर्ट करते हो, एकदम अपने हाथ को फास्ट मूव करते हो, तुम्हारी लाइन कॉन्फिडेंट होती है। फास्ट लाइन आर्ट करोगे तो वो थोड़ा तुम्हें अंडर कंट्रोल, ओवर कंट्रोल पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन वो ज्यादा एक्यूरेट होगी इन कंपेयर टू स्लो लाइन आर्ट। यहाँ पे देखो एक गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्लिप्स है, टोटल 7 होनी चाहिए, और पता नहीं भाई कहाँ गई क्लिप्स। मैंने तो रिकॉर्डिंग करी थी और शायद वो डिलीट हो गई, और रिसाइकल बीन वगैरह में भी नहीं है, तो वो शायद क्लिप डिलीट हो गई जो मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह करी थी। तो उसमें मेरा कलरिंग का था, और मतलब सारी चीज़ें थी जो मैंने लाइन आर्ट ब्रेक करी और कलरिंग वगैरह जो मैंने करी वो था, और मेरे को अब डायरेक्ट शैडो और हाइलाइट्स वाला क्लिप मिल रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ, कुछ करता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी वो रिकॉर्डिंग पता नहीं, शायद मेरे से स्विफ्ट डिलीट हो गई है, तो बाकी मैं तुम्हें समझा दूँगा, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे मेरी लाइन आर्ट डन हो चुकी है। अब देखो, मैं यहाँ पे लाइन आर्ट ब्रेक कर लूँगा ऑब्जेक्ट मोड से, तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बी दबाऊंगा या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा या कंट्रोल बी दबा दूंगा, तो ये सारी ऑब्जेक्ट मोड में थी, अब स्ट्रोक मोड में आ गई, मतलब ये सारी स्ट्रोक हो चुकी है जैसे बाकी सब सॉफ्टवेयर में होता है। और बाकी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही ऑब्जेक्ट मोड, स्ट्रोक वगैरह, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देखो यार, ट्यूटोरियल, तब तुम्हें अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर तुम्हें एडोब एनिमेट नहीं सीखना है तो मत देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लाइन आर्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा आता है कलरिंग। तो देखो, मैंने कलर थ्योरी पे एक वीडियो बना रखी है जो ड्राइंग सीरीज की लास्ट वीडियो, तुम चाहो तो उसे देख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कलर की नॉलेज है, कलर सेंस है, कोई जरूरत नहीं है वीडियो देखने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइन आर्ट तो कर ली, अब मैं यहाँ पे मूड सेलेक्ट करूंगा, तो मतलब ये किस टाइम में। तो देखो, ये कमरे में वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है कि लाइट्स बंद करके वीडियो गेम खेल रहे होंगे, अंधेरा होगा कमरे में, तो यहाँ पे डार्क कलर ज्यादा अच्छे लगेंगे और यहाँ पे डार्क कलर ही जाएंगे। तो मेरे जो भी कलर है, देखो अभी मैं प्रॉपर फाइनल कलर पैलेट नहीं बना रहा, और मैं कलर पैलेट बनाता भी नहीं हूँ, अपने कलर सेंस
फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कलर करता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं थ्रू आउट द प्रोसेस चेंज करता रहता हूँ कलर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तुम एक एक कलर थ्योरी लगाओ और चीज़ों से, वो कलर थ्योरी एक नॉलेज के लिए होती है ताकि तुम्हें परफेक्शन मिले। और देखो मैं एक टिप भी देना चाहूँगा, अगर तुम बिगनर वगैरह हो, तुम ज़्यादा कलर हैंडल नहीं कर सकते, तो कम से कम 5 कलर यूज़ करना ट्राई करो, ठीक है, एक टाइम पे 5 कलर यूज़ करो, ट्राई करो, उससे ज़्यादा ना करो, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत है तो उससे ज़्यादा करो, लेकिन अगर जहाँ ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत सारे कलर भर रखे हैं, तो वो मत करो। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है कलरिंग में। अब तुम Adobe Animate में देखोगे तो तुम जिस लेयर पे लाइन आर्ट है तुम्हारी, उसी लेयर पे तुम्हारी कलरिंग होगी, लेकिन अगर तुम बाकी सॉफ्टवेयर पे देखोगे तो जिस लेयर में तुम्हारी लाइन आर्ट है तुम उसके नीचे एक और लेयर लेते हो। जैसे यहाँ मैं क्लिप स्टूडियो में तुम्हें करके बता रहा हूँ, तुम बाकी सारे सॉफ्टवेयर का सेम होता है, ठीक है, रास्टर बेस में, तो एक और लेयर लो, उसके नीचे तुम कलर करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हारी लाइन आर्ट और कलर लेयर सेपरेट होगी, वो तुम्हें शैडो एंड हाईलाइट के समय बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो तुम बाकी सारे सॉफ्टवेयर जैसे तुम्हारे IBS पेंट टेक्स हो गए, मोबाइल वाले सॉफ्टवेयर, फिर तुम्हारे क्लिप स्टूडियो, फोटोशॉप, क्रीटा वगैरह हो गए, तो इनमें तुम ऐसा ही करो, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो अब बारी आती है शैडो एंड हाईलाइट्स की। तो देखो सबसे पहले हमें शैडो एंड हाईलाइट के लिए अपना लाइट सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने टाइम लैप्स में तो थोड़ा लाइट सोर्स को इग्नोर कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखो जैसे कि ये वीडियो गेम खेल रहे हैं तो इनकी लाइट सामने से आ रही है, मतलब फ्रंट डायरेक्शन से आ रही है, तो उस हिसाब से शैडो कास्ट होंगे। और अगर कोई विंडोज वगैरह होगी रूम में तो राइट या लेफ्ट से आ रही हूँ, मैं लेफ्ट चूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर टाइम लेफ्ट ही चूज करता हूँ लाइट, पता नहीं क्यों। तो एक बार तुमने लाइट सोर्स डिफाइन कर लिया तो अब यहाँ पे तुम्हें Adobe Animate में शैडो की मार्किंग बनानी पड़ती है। और ये शैडो की मार्किंग क्या होती है तो वो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। अगर तुम दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करो तो जो तुम्हारी लाइन आर्ट लेयर है और जो तुम्हारी कलर लेयर है उसके बीच में एक और लेयर आएगी और उस लेयर को तुम्हें क्लिपिंग मार्क्स कर देना है फिल वाले लेयर पे और वहां पे तुम्हें इस टाइप से शैडो देनी है। तो ये शैडो ऐसे वर्क करती है दूसरे सॉफ्टवेयर में। लेकिन अगर तुम Adobe Animate की बात करो तो जिस लेयर पे लाइन आर्ट होगी तुम्हारी उसी लेयर पे तुम्हारी कलरिंग होगी, उसी लेयर पे तुम्हारे जाएंगे। मैंने ये सर्कल लिया है और मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था, तो तुम यहाँ पे शैडो की मार्किंग दो और यहाँ पे मान लो ये ब्लू कलर है तो तुम इससे डार्कर कलर लेके यहाँ पे ऐसे शैडो दे दो और हाईलाइट का भी तुम्हारा कुछ ऐसा ही होगा। तो ये इस टाइप से वर्क करता है। और जैसे मैं यहाँ पे सारी लाइंस वगैरह खींच रहा हूँ तुम देख सकते हो टाइम लैप्स में, हाँ, लेकिन Adobe Animate में तुम ऐसे हार्ड एज शैडो दे सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे सॉफ्ट एज शैडो देने हैं तो बहुत ज्यादा झंझट होता है, मैं यूज नहीं करता कभी भी। लेकिन अगर तुम्हें दूसरे सॉफ्टवेयर में देने हैं तो वह इजी होता है। तुमने जिस लेयर को क्लिप मास्क किया था फिल वाले लेयर पे, उसी लेयर पे तुम जाके ऐसे सॉफ्ट ब्रशेस यूज कर सकते हो या फिर तुम ऐसे हार्ड एजेस ब्रशेस को यूज करके यहाँ पे मिक्सर ब्रश से उसकी एजेस सॉफ्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम सॉफ्ट शैडो दे सकते हो। लेकिन Adobe Animate में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और मैं प्रेफर भी नहीं करता और वो बहुत गंदा सा भी लगता है देखने में। तो देखो एक और चीज मैं बताना भूल गया था, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये लेयर है, ठीक है, तो तुम्हें अगर किसी अलग सॉफ्टवेयर देना है जैसे Adobe Animate से अलग सॉफ्टवेयर क्लिप स्टूडियो में करके दिखा रहा हूँ, तुम इसे फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ जो तुम शैडो और हाईलाइट दोगे वो ज़रूरी नहीं है कि तुम लाइट एंड डार्क कलर दो, ठीक है, तुम एक और लेयर लो और उसको क्लिपिंग मार्क्स कर दो जैसे मैंने यहाँ करा है, और तुम यहाँ पे से कोई सा भी डार्क कलर चूज़ कर लो, ठीक है, और सॉफ्ट ब्रश या हार्ड ब्रश कोई सा भी ले लो और यहाँ पे कलर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम आके इसकी ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो, डार्क या मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसकी तुम ओपेसिटी घटा बढ़ा सकते हो। तो देखो ये कुछ इस टाइप से शैडो हो जाएगी, ठीक है, और सेम हाईलाइट का भी वही ऑप्शन होता है। तुम यहाँ पे एक और लेयर लो और यहाँ पे एकदम वाइट कलर कर दो और या फिर कोई सा भी लाइट कलर, और तुम यहाँ पे इस टाइप से कर दो और इसकी ब्लेंडिंग मोड तुम स्क्रीन या लाइट कुछ भी रख लो, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड रख लेता हूँ और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी में घटा देता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा तुम्हें। तो बस यही बताना था मुझे अलग से, बाकी तुम Adobe Animate में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी कर सकते, वैसे ही करना, और बाकी इन सब चीज़ों में ऐसे करना तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। अभी एक कलर है तो तुम्हें उतने अच्छे से पता नहीं चल रहा, अगर मैं वहीं पे यहाँ पे रेड कलर कर दूँ, ठीक है, रेड कलर तो तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, मैं फिर यहाँ पे अगर येलो कर दूँ तो तुम्हें इजीली दिख पा रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कर दूँ, हाँ, तो तुम्हें इजीली दिख पा रहा होगा कि कैसे ये लाइट और डार्क दिख रहे हैं, ठीक है, एक साथ। और देखो तो ये लाइट और डार्क तुम्हें इजीली दिख पा रहा होगा, ठीक है,
को मैं शैडो, तो देखो मैं शैडो और हाईलाइट की मार्किंग अलग अलग कलर से देता हूँ। अभी तो मैंने कुछ भी कलर दे दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे बाद में चेंज कर लेता हूँ, येलो और ग्रीन कर लेता हूँ। येलो मैं हाईलाइट के लिए यूज कर रहा हूँ अभी, और ग्रीन मैं शैडोज के लिए यूज कर रहा हूँ। तुम कुछ भी कलर यूज कर सकते हो, यहाँ पे यही कलर स्टैंड आउट कर रहा था इसलिए मैंने इसी कलर को यूज करा। तो एक बार तुम शैडो वगैरह पूरा बना लो, ठीक है, लाइंस वहाँ पे तुम जो कलर है उसका डार्कर कलर उठा लो, कलर वगैरह से तुम वो सारी चीजें कर लो, तुम कर लोगे इजीली अगर तुमने एडोब एनिमेट चलाया होगा या चलाना आता होगा तो, और नहीं आता तो वही अगेन वीडियो देखो। तो यहाँ पे एक बार सारी मार्किंग हो जाने के बाद मैं सारे शैडोज कर लेता हूँ, और यहाँ पे जब एक बार सारे शैडोज हो गए तो यहाँ पे तुम सारी चीजों को सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में ऑब्जेक्ट वगैरह पे जाओ, यहाँ पे मतलब स्ट्रोक में तुम ये सेलेक्ट कर दो जिससे कि तुम्हारे स्ट्रोक गायब हो जाएंगे और तुम्हें बूम तुम्हारी शैडोज और हाईलाइट तैयार है, ठीक है। और इसे मुझे करने में 2 घंटे लगे हैं और तुम्हें देखने में कुछ सेकंड्स, तो लगभग हमारा 90-80% काम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़े एफेक्ट्स वगैरह देंगे, और एफेक्ट्स में क्या है, हम वही थोड़ी रिम लाइट और कुछ हाईलाइट वगैरह देंगे। तो वो बस तुम एक और लेयर लो, वहाँ पे ऐसे लाइन्स वगैरह ड्रॉ करो, ठीक है, और प्रॉपर्टीज में फ्रेम्स में जाके उसे अल्फा दे दो, ब्लेंडिंग वो चेंज कर दो, उसकी ब्लरनेस बढ़ा दो अपने अकॉर्डिंग, फिर एक और लेयर लो, फिर वहां पे तुम, मैं ऐसे पर्पल टाइप का कुछ कलर ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे स्ट्रोक मार लेता हूँ, इसकी ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी और ब्लरनेस वगैरह थोड़ी छेड़छाड़ करता हूँ तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। और बहुत सारे तरीके के तुम अलग अलग लाइटिंग दे सकते हो, ऊपर से नीचे से शैडोज दे सकते हो, तो तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा। तो एक बार ये सारी चीजें हो जाने के बाद तुम फाइनली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तुम फाइल्स में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओ, सेकेंड ऑप्शन को चूज करो, और यहाँ पे तुम JPG सेलेक्ट करो, और नाम वाम चेंज करना है करो, और फिर जहाँ एक्सपोर्ट करना है वहाँ एक्सपोर्ट कर दो, और फिर डन, तुम इसे अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो और लाइक्स आने का वेट करो। बाकी वीडियो खत्म, पैसा जाऊँ कमेंट करो ये, और कमेंट करने नीचे जा ही रहे हो तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो और डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हम वहाँ भी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं अगर मैं फ्री होता हूँ तो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो तुम डिस्कॉर्ड पे आके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे इजिली रिप्लाई कर देता हूँ।